नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीदर के अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। डीके शिवकुमार ने पुलिस पर की भगवाकरण की टिप्पणी तो भड़की भाजपा, कहा ये डिप्टी सीएम का सिर्फ भ्रम। कर्नाटक में सियासत का नाटक, पावर शेयरिंग पर जुबानी जंग ने कांग्रेस की शानदार जीत की चमक कम। अब दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल से किया बड़ा वादा। 2000 के नोट वापसी प्रक्रिया बिना किसी बाधा पूरी होगी, बोले आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगा के रंगों से जगमगाया सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर की जा रही हड़ताल के समर्थन में सीपीआईएम कार्यकर्ता रायारू ब्रहाट ने बीदर नगर के अंबेडकर सर्किल में विरोध रैली आयोजित की। शहर में अंबेडकर सर्किल से लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति को लिखी याचिका सौंपी। विरोध मार्च में भाग लेने वाली सैकड़ों महिलाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाए। केपी न्यूज की कैमरामैन संतोष की कवरेज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार 23 मई को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि कर्नाटक में राजनीति जोर पकड़ने लगी है। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने उन्होंने कहा कि क्या पुलिस विभाग का भगवाकरण करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में शिवकुमार ने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा शासन के दौरान मंगलुरु, विजयपुरा और बागलकोट में कुछ मौकों के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई के दौरान भगवा शॉल और पोशाक पहनी थी। यदि आपके मन में देश के प्रति सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ काम करना चाहिए। हम अपनी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। शिवकुमार के बयान के बाद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा यह नई सरकार की अच्छी शुरुआत नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन गृह और पुलिस विभागों को हतोत्साहित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जिनके पास कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार का कल का बयान मनोबल गिराने वाला था। उन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बोला है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उस हलवे की तरह है जो अभी बस पककर तैयार ही हुआ है। उसकी मिठास का आनंद अभी ठीक से लिया भी नहीं गया है। ऐसे में पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे बयान उसे तल्ख बनाने में लगे हुए हैं। दो हफ्ते पहले ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस पार्टी में जब मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान हुआ, तब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के समझाने के बाद सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस का लिंगायत चेहरा एमबी पाटिल के बयान ने एक बार फिर नरम पड़ती आग में फूंक मारने का काम कर दिया। पाटिल ने मैसूरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। इस तरह का कोई फार्मूला तय नहीं किया गया। सिद्धरामैया ही पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की। इस पर अब राज्य सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बुधवार 24 मई को कर्नाटक के मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने कहा कि हम भविष्य में देखेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल हमें कर्नाटक के लोगों से की गई 5 गारंटियों को पूरा करना है। एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि कांग्रेस जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन हटाएगी। हम उन लड़कियों को कक्षाओं में वापस लाएंगे और वे अपनी परीक्षा दे सकेंगी। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हिजाब बैन और सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए सभी कानून वापस लिए जाएंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है, आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, website www.pistahouse.in।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। सीएम ममता केंद्र अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए तैयार है। ममता से मुलाकात के बाद बुधवार को केजरीवाल ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने वाले सरकार के विशेष आदेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के समर्थन का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर मातोश्री में विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल के साथ आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ ही दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा दिलाया कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के पूरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक की स्थिति पर लगातार नजर है। रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रबंधन के तहत गत शुक्रवार को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही स्पष्ट किया था कि नोटबंदी नहीं है और 2000 रुपए का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और लोग भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया बिना बाधा के पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने इसके लिए अपना आकलन कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस विशेष जांच इकाई एसआईयू ने किश्तवाड़ जिले के अनेक स्थानों में चार आतंकवादियों के घरों पर बुधवार 24 मई को छापे मारे। ये चारों आतंकवादी पाकिस्तान से हैं और वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जम्मू में जानकारी दी। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद पोसवाल ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की एक अदालत से तलाशी वारंट मिलने के बाद पड्डेर, केशवान और ठकराई में छापे मारे गए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने बुधवार 24 मई को कहा कि आज से 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो यह नई बात नहीं है, यह 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी। सरकार कोई भी होती तो उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बन गया है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चोरी चोरा में नवागत उप जिलाधिकारी प्रशांत वर्मा के स्वागत समारोह तथा निवर्तमान उप जिलाधिकारी शिवम सिंह के विदाई समारोह में तहसील के अधिवक्ता, स्थानीय पत्रकार तथा राजस्व विभाग की टीम ने स्वागत सम्मान समारोह को लेकर जानकारी साझा की। स्वागत सम्मान एवं विदाई समारोह में सभी तहसील के अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा नव निर्वाचित उप जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह यहां के उप जिलाधिकारी शिवम सिंह ने अपनी कार्यप्रणाली से किसी भी कार्य को लेकर त्वरित निस्तारित करते थे, चाहे वो आईजीआरएस का मामला हो या फिर राजस्व विभाग का, उन्होंने चोरी चोरा में अपना एक छाप छोड़ी है। मैं भी चाहता हूं कि यहां के तहसील अधिकारी या फिर पत्रकार बंधु मेरा सहयोग करें ताकि उन्हीं के जैसा ही कार्य करने में सहयोग कर सकूं, ताकि तहसील चोरी चोरा कार्यप्रणाली में एक नंबर पर हो। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा,
एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में, और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस को भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया। पीएम मोदी ने बुधवार को इन प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भी थे। सिडनी हार्बर ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्मित चाप सेतु के तौर पर प्रसिद्ध है। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ शोर तक फैला हुआ है। पुल है ये सिडनी ओपेरा हाउस और सिडनी हार्बर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। ओपेरा हाउस सिडनी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, एक बहुउद्देशीय प्रदर्शन कला प्रतिष्ठान है। भवन में रेस्टोरेंट और एक पेशेवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। 2007 में ओपेरा हाउस को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। इन दोनों स्थलों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जगमग किए जाने से एक दिन पहले मंगलवार रात वेस्टर्न सिडनी में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में 21,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी के साथ अल्बनीज भी थे। झारखंड के रामगढ़ जिले की बेटी दिव्या ने झारखंड इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में टॉप किया है। दिव्या ने रामगढ़ के गांधी मेमोरियल +2 हाई स्कूल से पढ़ाई की है। उसने इंटरमीडिएट के साइंस परीक्षा में पूरे झारखंड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। दिव्या के स्टेट टॉप होने की खबर जब फोन पर उनके पिता को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। दिव्या आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती है। उसकी सफलता पर उसके मोहल्ले समेत पूरे रामगढ़ जिले वासियों में खुशी का माहौल है। दिव्या एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और पिता एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं, जबकि माता गृहिणी है। भाई एक नमकीन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। दिव्या का पूरा परिवार रामगढ़ के विकास नगर में 3 शेड वाले घर में रहता है। आमिर खान का बेटा और श्रीदेवी की बेटी के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। खुशी की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनके हाथ दूसरी फिल्म लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो आमिर खान का बेटा जुनैद और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर जल्द ही लव टुडे फिल्म के रीमेक में साथ नजर आने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि इन दोनों सितारों ने इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है। वहीं इस फिल्म पर प्रोडक्शन का काम इसी साल जुलाई में शुरू हो सकता है।
लव टुडे फिल्म तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक होगी। इस फिल्म के लिए सितारों को कास्ट करने की चर्चा बीते 3 महीनों से हो रही थी, जिसके बाद जुनेद और खुशी कपूर को बतौर लीड स्टार्स इस फिल्म में कास्ट किया गया है। लव टुडे फिल्म में खुशी और जुनेद यंग रोमांटिक कपल का रोल प्ले करेंगे। तमिल फिल्म में इस रोमांटिक कपल के किरदार को प्रदीप रंगनाथन और इवाना थे। इस फिल्म के बाकी किरदारों के नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीदर के अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। डीके शिवकुमार ने पुलिस पर की भगवाकरण की टिप्पणी तो भड़की भाजपा, कहा ये डिप्टी सीएम का सिर्फ भ्रम। कर्नाटक में सियासत का नाटक, पावर शेयरिंग पर जुबानी जंग ने कांग्रेस की शानदार जीत की चमक कम। अब दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल से किया बड़ा वादा। 2000 के नोट वापसी प्रक्रिया बिना किसी बाधा पूरी होगी, बोले आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास। पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगा के रंगों से जगमगाया सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।